हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी के थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स दिया हुआ है, तो आपको एक्सप्लेन करना है टर्म्स को या जो कॉन्सेप्ट दिए हुए उनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, तो ये है ना, आपको एनी वन आउट ऑफ टू किसी भी तरीके से, मतलब आपके इसमें पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, सबसे पहले जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है, तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव्स करने के टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसमिशन जनरली किस केस में होता है। यहाँ पे इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, और ये कब होता है, जब है ना कोई बंदा, किसी की डेथ हो जाती है, जिनकी जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब मेंटल प्रॉब्लम डिसऑर्डर हो जाता है जिसको, तो उस केस में है ना ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस, और ये थ्रू इट टेक्स प्लेस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर आंसर 1, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ आपको पहले लिखना है। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज द शेयर्स ऑफ अ मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, जो किसी बंदे का जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है अनदर पर्सन को। कब? ऑन द डेथ, मतलब उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है ऑन द डेथ या इंसॉल्वेंसी, या फिर अगर उस वो मेंटली डिसऑर्डर हो गया है, इंसैनिटी ऑफ अ मेंबर। दस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन हो गई, ये इसने वॉलेंट्रीली अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए, डेथ हो गई, वो बंदा वापस आएगा और बोलेगा क्या कि भाई मेरे शेयर ट्रांसफर कर दो, तो इसको इनवॉलेंट्री एक्शन बोला जाता है। देर इज ओनली वन पार्टी, यहाँ पर ओनली वन पार्टी होती है, दैट इज लीगल हेयर। लीगल हेयर मतलब नॉमिनी होता है, हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, वो है ना ट्रांसमिशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, मतलब वो उसे आगे प्रोसेस को आगे लेकर जाता है कि भाई शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, सो एंड सो हैपेंड, मतलब डेथ होने पे किसी की, या फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाने पे कोई शेयर होल्डर के, या फिर इंसैनिटी के केस में। द लीगल हेयर और ऑफिशियल रिसीवर, मतलब जिसके नाम पे विल में जिसका नाम लिखा गया है या जिसके नाम पे किया गया है, नॉमिनी के नाम पे शेयर्स है, तो नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर शेयर्स, वो शेयर्स के लिए कोई पेमेंट नहीं करता है, वो ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। अगर है ना, अगर मान लो शेयर होल्डर को अभी भी है ना, मतलब फुल्ली पेड अप शेयर नहीं है, वो अभी तक है ना कॉल मनी पेमेंट करना बाकी है, या फिर है ना फाइनल कॉल का पैसा बाकी है, तो है ना जो लीगल हेयर है जिसके हाथ में शेयर्स आएंगे वो फिर उसका पेमेंट क्लियर करेगा, वो लायबिलिटी को क्लियर करेगा। तो ओरिजिनल जो लायबिलिटी है मेंबर की, वो भी इट कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, तो वो कंटिन्यू रहती है, मतलब वो ट्रांसफर हो जाती है किसको, लीगल हेयर को, वो भी ट्रांसफर हो जाती है। नाउ सेकंड, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, तो ये इन शॉर्ट हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वाला हम लोगों ने पढ़ा था, रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज किया जाता है, तो उसी के थ्रू बोनस शेयर इश्यू होते हैं, और ये किसको होते हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो आंसर 2, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं, इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू किए जाते हैं, और किसको इश्यू किए जाते हैं, तो एग्जिस्टिंग टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग्स, उनके शेयर होल्डिंग्स के प्रपोर्शन के हिसाब से। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो दो शेयर के पीछे एक दे रही है, या एक के पीछे दो दे रही है, या तीन दे रही है, तो वो प्रपोर्शन के हिसाब से वो इश्यू किए जाते हैं। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, जो कंपनी है ना पैसे में स्ट्रांग होती है, मतलब जिसकी पोजीशन अच्छी होती है पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, फंड को लेकर, वो लोग है ना इश्यू करती है बोनस शेयर्स। आउट ऑफ कहाँ से करती है, तो आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मतलब जमा किया हुआ, ईयर बाय ईयर जो जमा करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होते हैं उनको एक्यूमुलेट किया हुआ रहता है,
उससे ये क्या करती है, इश्यू करती है बोनस शेयर्स. हैंस एज द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स आर कैपिटलाइज्ड, तो इसके लिए है ना जो प्रॉफिट्स होते हैं, ओल्ड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स होते हैं, सरप्लस होते हैं, वो कैपिटलाइज्ड किए जाते हैं. इसीलिए इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं, बोनस शेयर्स को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स भी बोलते हैं. फ्लो बैक करती है ना, तो इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स भी बोला जाता है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. थर्ड है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को लेकर, अलॉटमेंट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना शेयर्स. एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाती है तो उसके बाद में अलॉटमेंट किया जाता है. तो आंसर थ्री, व्हेन अ कंपनी गिव शेयर्स टू एन एप्लीकेंट, जब है ना कंपनी किसी एप्लीकेंट को जिसने अप्लाई किया है शेयर्स के लिए, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सबमिटेड, उनकी एप्लीकेशन के बेसिस पे जब है ना क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है एप्लीकेंट को शेयर्स, देती है, गिव्स शेयर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स, गिव शेयर्स, इट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो इसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहा जाता है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स एलोकेटिंग, मतलब एलोकेट करना, मतलब गिविंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कौन अलॉटमेंट कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉट करता है शेयर्स आउट ऑफ प्रीवियसली अनएलोकेटेड कैपिटल, जो उनका अनएलोकेटेड प्रॉफिट है उसमें से अलॉट करती है शेयर्स कंपनी के टू पर्सन्स हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स, उन बंदों को, उन पर्सन्स को, उन इन्वेस्टर्स को जो है ना अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर टू अलॉट शेयर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलॉट करने का पावर होता है, उनके हाथ में पावर होता है शेयर्स अलॉट करने का. नाउ फोर्थ वन इज एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम. तो इसको हम ESOS भी बोलते हैं, ESOS. तो यहाँ पे ESOS में क्या होता है कि अंडर दिस स्कीम, ये स्कीम में परमानेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स होते हैं या कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, या फिर इनकी जो होल्डिंग कंपनी होती है जो इस कंपनी को होल्ड करती है, अदर कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी होती है, आर ऑफर्ड द बेनिफिट, उनको है ना बेनिफिट ऑफर किया जाता है या फिर राइट दिया जाता है, मतलब उन्हें हक दिया जाता है टू परचेस द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेस करने के लिए वो उनको अलाउ किया जाता है एट अ फ्यूचर डेट. फ्यूचर डेट में एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, मतलब आज आप उसकी रेट बता दो, प्री डिटरमाइंड कर लो प्राइस की, आप कितने प्राइस में आप खरीदोगे करके. तो और खरीदी कब होगी शेयर्स की, तो फ्यूचर डेट पर होगी. तो ये सोर्स एनकरेजेस एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज को एनकरेज करते हैं एज दे फील प्राउड टू बी ओनर्स ऑफ द कंपनी. उससे क्या होता है, उनको ये फीलिंग आती है कि हम ओनर्स बन जाएंगे कंपनी के. ओनर्स मतलब क्या, पूरी के पूरे ओनर हो गए, वैसे नहीं होता, जितनी शेयर्स उनके हाथ में होते हैं उतने शेयर्स की होल्डिंग के हिसाब से वो ओनर बन जाते हैं कंपनी के, उतना मतलब उनको डिविडेंड रिसीव होता है फॉर विच दे आर वर्किंग एंड कंपनी ऑल्सो बेनिफिट्स एज इट कैन रिटेन गुड एम्प्लॉयज. तो वो जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उनको भी अपनी कंपनी में बनाए रखती है. तो ये सब ज्यादा करके सब बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, उन्हीं में मोस्टली ये जनरली होता है. नाउ फिफ्थ वन इज व्हाट, सरेंडर ऑफ शेयर्स. सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, तो दिस मीन्स आंसर, दिस मीन्स वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स वॉलेंट्रीली, अपने आप से आकर है ना शेयर्स रिटर्न कर देना. और इसके अपोजिट क्या होता है, फोरफीटर. फोरफीटर में क्या होता है, कंपनी है ना कैंसिल कर देती है मेंबरशिप. यहाँ पे क्या होता है, सरेंडर ऑफ शेयर्स में मेंबर खुद आता है और बोलता है भाई हम लोग इनकैपेबल है पेमेंट करने के, तो आप हमारे कैंसिल कर दो शेयर्स. तो दिस मीन्स वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर्स, रिटर्न कर देती है, वापस दे देती है बाय द मेंबर टू द कंपनी फॉर कैंसिलेशन, कैंसिलेशन के लिए वापस शेयर्स दे देती है. नाउ सरेंडर ऑफ शेयर्स इज अलाउड ओनली इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन. ये कब अलाउड है, जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, बट टू फोरफिट द शेयर्स, मतलब फोरफिट करना मतलब कैंसिल करना, शेयर कैंसिल करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, तभी है ना सरेंडर अलाउड होता है. ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी सरेंडर. तो जो पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं ना उन्हीं को सरेंडर करना अलाउड है, बाकी जो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं मतलब पूरा को पूरा पेमेंट कर दिया उन्होंने, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, सारा का सारा मतलब
₹100 का शेयर है तो पूरा का पूरा ₹100 पेमेंट कर दिया है, तो उस केस में है ना सरेंडर करना अलाउड नहीं है, ओनली पार्टली पेड में ही अलाउड है। नाउ सरेंडर्ड जो शेयर्स है कैन बी री इश्यूड, कंपनी उनको री इश्यू कर सकती है, वापस से इश्यू कर सकती है इन द सेम वे एज फोरफिटेड शेयर्स। इवन फोरफिटेड शेयर्स में भी कंपनी वापस री इश्यू कर सकती है उन शेयर्स को, मतलब वो ऑफर कर सकती है पब्लिक को। नाउ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी मस्ट प्रोवाइड फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स, उसमें सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में डिटेल होनी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में ये मेंशन रहना चाहिए सरेंडर ऑफ शेयर्स को लेकर। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर्स किसे कहते हैं, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स दीज आर शेयर्स इश्यूड बाय अ कंपनी, इन शेयर्स को कौन इश्यू करता है, तो कंपनी इश्यू करती है टू इट्स डायरेक्टर्स, अपने डायरेक्टर्स को इश्यू करती है और एम्प्लॉयज को इश्यू करती है एट अ डिस्काउंट रेट पर इश्यू करती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स में डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है एट अ डिस्काउंट रेट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब या फिर है ना कैश के बजाय अदर कंसिडरेशन, मतलब उन्होंने उनको उनके गुड परफॉर्मेंस के लिए दे दिया, उनको कैश नहीं देना पड़ रहा है उसके बदले में, तो अदर देन कैश इट इज इश्यूड इन रिकग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये है ना किस लिए इश्यू किए जाते हैं, उनके मतलब उन्होंने जो वैल्यूएबल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है कंपनी को, अपनी मेहनत करके कंपनी को एक रेपुटेशन दी है, प्रोवाइड की है, रिकग्निशन प्रोवाइड किया है, विच हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रॉफिट्स, जिसके वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई कंपनी की, कंपनी ने गुड रिटर्न मिलने लग गया मेहनत की वजह से, तो उनको है ना ये इश्यू किए जाते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज को एंड डायरेक्टर्स को। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक परिपैसु, यहाँ परिपैसु का मतलब क्या होता है, ट्रीटेड एट पार, मतलब पार वैल्यू में ही विथ अदर इक्विटी शेयर्स, दूसरे इक्विटी शेयर्स के इक्वल में ही उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। नाउ दी शेयर्स अवर लॉक इन पीरियड, इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स का, 3 साल का लॉक इन पीरियड, मतलब है ना आप 3 साल तक किसी को भी लॉक इन पीरियड, मतलब आपने लॉक कर दिया और 3 साल तक अपने आप किसी को भी उसको है ना ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये पीरियड के दौरान 3 साल तक आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। सो दी शेयर्स, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें लॉक इन पीरियड होता है और 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, दैट इज दे कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान नहीं, 3 साल के बाद ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन 3 साल तक नहीं। नाउ शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, तो शेयर सर्टिफिकेट इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया इश्यूड बाय अ कंपनी, कंपनी इश्यू करती है, किस लिए इश्यू करती है, तो ये एविडेंस होता है, प्रूफ होता है ना कि बंदे ने ओनरशिप एक्वायर की है कंपनी में, तो इसके लिए लिखना होगा आपको, इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय अ कंपनी विच इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स, कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है ना अलॉट हुए पर्टिकुलर बंदे को, तो अलॉटमेंट के बाद में शेयर सर्टिफिकेट इशू होती है ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। नाउ शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी, अब शेयर सर्टिफिकेट पे जब तक है ना थप्पा नहीं लगा होगा, सील नहीं लगी होगी, मतलब स्टैंप नहीं लगी होगी कंपनी की, जो सील नहीं होगी उसकी, तब तक वो फिर शेयर सर्टिफिकेट इनवैलिड होता है। जैसे मान लो आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आपने अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स के लिए इंटर क्लास स्पोर्ट्स के लिए, और उस आपको जब सर्टिफिकेट मिलती है उस सर्टिफिकेट पे अगर कॉलेज का स्टैंप नहीं लगा है तो वो इनवैलिड हो गई, तो उसी तरीके से कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे अगर स्टैंप नहीं किया हुआ है तो मतलब वो क्या है, इनवैलिड हो गई। सो इफ एनी अगर अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड साइंड बाय 2 या और कम से कम है ना 2 डायरेक्टर्स का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, साइन बाय 2 डायरेक्टर्स ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी का भी उस पर साइन होना चाहिए और एनी अदर ऑथराइज पर्सन, तो जिस तरीके से कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली कम से कम 2 डायरेक्टर्स का एंड कंपनी सेक्रेटरी का ऑथराइज पर्सन का वहाँ पे साइन होना चाहिए। नो कंपनी हैज टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलॉटीज, मतलब जिन जिनको शेयर अलॉट किए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, शेयर दिए हैं एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद में शेयर जितने शेयर दिए तो उन सबको सर्टिफिकेट रिसीव होनी चाहिए, एज वेल एज ट्रांसफरीज ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और एज वेल एज है ना जब कोई ट्रांसफरर मतलब कोई बंदा अपने शेयर्स को दूसरे के को ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में ट्रांसफरी को ट्रांसफर ऑफ शेयर्स भी रिसीव होना चाहिए। नाउ इट इज इशूड
मतलब उनको भी शेयर सर्टिफिकेट रिसीव होनी चाहिए। इट इज इश्यूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना, ऐसा नहीं है कि फुल्ली पेड अप वाले शेयर वाले को ही दी जाएगी, पार्टली पेड अप वाले को भी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू की जाती है। नाउ ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो ऑथराइज कैपिटल ऑलरेडी हमने को पता है कि ये रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है इसको, राइट? तो यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें मैक्सिमम लिमिट जो पूरे लाइफ टाइम में कंपनी कितना है ना मार्केट से वाया इशूइंग शेयर्स कितना रेज कर सकती है फंड, तो वो मेंशन रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं इसको, एज इट इज मेंशन इन द कैपिटल क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनी पे स्टैम्प ड्यूटी। इसके ऊपर कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उनको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। जैसे घर की रजिस्ट्री करवाते हैं, हम नया घर खरीदते घर की रजिस्ट्री करवाते तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, तो इसी तरीके से है ना ऑथराइज कैपिटल के लिए भी स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनी पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन दिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाउ ऑथराइज्ड कैपिटल इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द नीड ऑफ कैपिटल, कि कितना मतलब जरूरत है कैपिटल की, उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन होकर है ना ऑथराइज कैपिटल प्रेजेंट समय में कितनी जरूरत है, फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होने के बाद में ही कितना ऑथराइज कैपिटल कंपनी को चाहिए है वो पता चलता है। तो वो नीड जरूरत के हिसाब से ही वो कैलकुलेट होता है। नो ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। एज यूजली अ कंपनी नेवर इश्यूज द एंटायर ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि कंपनी है ना यूजुअली जनरली क्या होता है कि कंपनी पूरा का पूरा एक साथ नहीं इशू करती है ऑथराइज कैपिटल, मतलब वो मार्केट में पूरे ऑथराइज कैपिटल को यूज नहीं करती है, वो जितनी जरूरत है उतने के हिसाब से ही वो सब्सक्रिप्शन देती है मार्केट में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब अभी देखो यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ेंगे। इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल्स ऑन शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स मतलब कंपनी रिमाइंडर देती है भाई अभी है ना 20 रुपया देना है आपको, 100 रुपये में से 30 रुपया आप ऑलरेडी दे चुके, 10 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पे, 20 रुपया फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल का 20 रुपया है चलो दे दो विद इन अ सर्टेन पीरियड। टाइम लिमिट देती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टाइम लिमिट देता है। इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन प्रॉफिट दैट इज टेक अवे द ओनरशिप ऑफ मेंबर, मेंबर की ओनरशिप वापिस ले लेते हैं। कब लेते हैं? लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं, मतलब वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जब वो पेमेंट नहीं देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर्स, तो इसे फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। ओनली ये कब होता है? ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स में होता है, ये है ना फुल्ली पेड अप में नहीं होता। फुल्ली पेड है तो कौन सा पैसा मांगेगी कंपनी। ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, वो ही है फोरफिटेड होते हैं। बोर्ड कैन फोरफिट शेयर्स, तो फोरफिट के लिए आपको नॉर्मली ऐसे ध्यान में रख लेना है कि मेंबरशिप कैंसिल कर देती है कंपनी, कंपनी करती है अपनी तरफ से। तो यहाँ पे बोर्ड कैन प्रॉफिट शेयर्स ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के फायदे के लिए करती है। कंपनी हैज टू सेंड अ नोटिस, कंपनी नोटिस भेजती है फोरफीचर टू द कंसर्न्ड मेंबर, जिसने पेमेंट नहीं किया है उसको वो नोटिस भेजती है कि भाई तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल हो रही है क्योंकि तुमने क्या किया है, तुमने पेमेंट पार्टली पेमेंट जो बात तुम्हारा पेमेंट बाकी था तुमसे कॉल मनी मांगा गया और तुमने पेमेंट नहीं किया है। देन 10th वन क्या है? पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल की बात करें तो पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ये क्या है टोटल अमाउंट ऑफ मनी है एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। इसे कौन पे करता है? तो शेयर होल्डर्स पे करता है व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप, जब कंपनी कॉल करती है और डिमांड करती है देम टू पे, जब भी पे करने के लिए उनसे डिमांड करती है तो वो पेड अप कैपिटल हुआ। एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल्स, सारे के सारे शेयर होल्डर्स को जब उनको कॉल भेजा जाता है मतलब उनको रिमाइंडर दिया जाता है कि भाई अभी आपको 20 रुपया पेमेंट करना है या 10 रुपया पेमेंट करना है एक शेयर के पीछे, तो एज एंड व्हेन द कंपनी डिमांड्स, फेलियर टू पे द कॉल्स में लीड टू फोरफीचर ऑफ शेयर्स। जस्ट हमने फोरफीचर ऑफ शेयर्स का ऊपर ये पॉइंट 9th पॉइंट पढ़ा, तो अगर कोई फेल हो जाता है नहीं पेमेंट कर पाता है तो फिर वो केस में क्या होता है उनको उनके शेयर्स फोरफीचर हो जाते हैं। नाउ कॉल्स ऑन शेयर कैसे बोलते हैं? तो कॉल्स ऑन शेयर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स इशू किए जाते हैं अ कंपनी में स्टेट दैट, कंपनी बोल सकती है कह सकती है आपको कि दैट द इश्यू ऑफ शेयर्स
इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, उनको इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है, मतलब आपको है ना एक साथ पेमेंट नहीं करना है, आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हो, मतलब हम जैसे जैसे आपको रिमाइंडर देंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, तो कंपनी उस हिसाब से पैसा डिमांड कर सकती है, तो उसको हम कॉल्स ऑन शेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इट इज कॉल्ड एज कॉल्स ऑन शेयर्स एंड कॉल्स कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन मांगेगा, खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिमांड करेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के फायदे के लिए, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी मतलब कंपनी के फायदे के लिए। 12th सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसे कहते हैं, तो द पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब, कंपनी पब्लिक की इच्छा है ना, ऑफर दिया, आईपीओ लाया, लेकिन मर्जी किसी पे फोर्स नहीं है, तो वो लोग सब्सक्राइब कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो द पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब द फॉर द एंटायर इशूड कैपिटल। कंपनी ने तो इशू कर दिया कि भाई इतने का हम है ना शेयर, इतने के शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब इतना कैपिटल हम इशू कर रहे हैं, अब आप लोगों को इन्विटेशन है, खुला इन्विटेशन है, आ जाओ, तो अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे है ना सब्सक्राइब होगा कैपिटल, राइट, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल, तो सब्सक्राइब कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल है विच हैज बीन सब्सक्राइब, जो कि सब्सक्राइब किया गया और टेकन अप, मतलब बॉट बाय इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स ने बॉट कर लिया, मतलब उन्होंने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दी और उनको अलॉट भी हो गए, तो वो सब्सक्राइबर बन गए, कंपनी के सब्सक्राइबर, जैसे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए आई एम वेरी मच थैंक यू टू यू ऑल कि आप है ना इस चैनल के मेंबर हो गए, सो द सब्सक्राइब्ड कैपिटल मे बी इक्वल टू और लेस देन द इशूड कैपिटल, तो सब्सक्राइब कैपिटल या तो है ना इशूड कैपिटल के इक्वल रहेगा, इक्वल अमाउंट का, उससे ऊपर नहीं हो सकता है, इक्वल अमाउंट का रहेगा या फिर उससे लेस रहेगा। नाउ 13th इज व्हाट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर, ये मिनिमम अमाउंट होता है शेयर का दैट मस्ट बी टेकन और बॉट बाय द सब्सक्राइबर्स, कम से कम उतना है ना उनको है ना खरीदना ही पड़ेगा। दिस अमाउंट इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, ये कहाँ पे मेंशन रहता है, तो ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है जो कंपनी इशू करती है, प्रोस्पेक्टस अपनी बुकलेट जो इशू करती है, बुकलेट इन शॉर्ट में आपको बोलूं, जिसमें पूरी डिटेल्स होती है कंपनी की, इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज, 30 डेज में कलेक्ट करना चाहिए फ्रॉम इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में। सो सेबी एज स्टार्टेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो सेबी ने ना मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ इशू, 90% ऑफ इशू जो इशूड कैपिटल उसका कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, मिनिमम 90% होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज वॉट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किसे बोलते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे बंदे को दे रहा है, उसकी मर्जी है, वो वॉलेंटरीली दे रहा है, सो अ मेंबर मे ट्रांसफर द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन और गिव इट अवे एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट भी दे सकता है, किसी की मर्जी है, अपने रिलेटिव को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, बेटी को दे दिया, तो अपनी मर्जी से जिंदा रहते हुए ट्रांसफर कर रहा है, डेथ के बाद होता है उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, और इंसेनिटी हो जाती है तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी के केस में अगर शेयर ट्रांसफर होता है तो उसको ट्रांसमिशन बोला जाता है, लेकिन अच्छी खासी कंडीशन में होने के बावजूद अगर एज अ गिफ्ट किसी को दे दिया, किसी को बेच दिया, अपने ट्रांसफर कर दिया, किसी के दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो उसे हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बोलते हैं, तो एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर्स, हर एक मेंबर को हक है, अ मेंबर हैज टू अप्लाई टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो उस मेंबर को अप्लाई करना होगा, कंपनी को एप्लीकेशन लिखना होगा बाय फिलिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वाला जो डॉक्यूमेंट होता है वो फिल करना होता है एंड सबमिट करना होता है, द शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग द सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस, एंड उसके साथ साथ में सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फीस भी देनी होती है, रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस भी देनी होती है। नाउ 15th इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ इन शॉर्ट वी विल से, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग, ये प्रोसेस है ऑफर करने का शेयर्स ऑफ अ कंपनी किसे, टू द पब्लिक, पब्लिक को, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, सो अ कंपनी और अ न्यू कंपनी, नई कंपनी या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी विच है विच
हैज रेज्ड आना चाहिए यहाँ पे, विच हैज रेज्ड इट्स कैपिटल, जिसने अपना कैपिटल है ना रेज किया, हैड रेज्ड इट्स कैपिटल अर्लियर, जिसने कैपिटल पहले अर्लियर रेज्ड किया है फ्रॉम प्रमोटर्स और अदर इन्वेस्टर्स, में ऑफर इट्स शेयर्स, वो भी अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को, when it is in need of fresh funds, जब उन्हें fresh funds की, नए funds की, new funds की, fresh funds की requirement होती है तब. So the first time the company offers its shares to the public is called as initial public offer. Now blank transfer किसे कहते हैं? तो blank transfer का मतलब when a member signs the instrument of transfer, जब कोई member instrument of transfer को sign करता है without filling in the name, उसमें कोई भी नाम fill नहीं करता, वो transferee का नाम नहीं fill करता है, and hands it over to the transferee, और transferee को hand over कर देता है along with the share certificate के साथ में. मतलब सिंपल साधारण शब्दों में जो ट्रांसफर करने वाला है वो है ना, जिसको जिसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम नहीं लिखेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करना जरूरी है लेकिन उसमें नाम नहीं लिखेगा, और बिना नाम लिखे वो ब्लैंक उसमें है ना, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ में शेयर सर्टिफिकेट देकर वो उसको दे देता है, बंदे को, ट्रांसफरी को दे देता है. तो इट इज कॉल्ड एज ब्लैंक ट्रांसफर. नाउ ब्लैंक ट्रांसफर एनेबल्स मीन्स हेल्प्स इजी परचेज एंड सेल. तो इससे ना इजी परचेज एंड सेल पॉसिबल होता है शेयर्स का, एज द ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म कैन बी सोल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कि चाहिए जितने नंबर ऑफ टाइम्स. इस केस में है ना उन्हें कोई कंपनी से क्या बोलते हैं, कंपनी से कोई भी ट्रांसफर फी देके उन्हें कोई नई सर्टिफिकेट नहीं लेनी पड़ती है, शेयर सर्टिफिकेट. तो वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर कर सकते हैं वो लोग. द इंटरमीडिएट बायर्स नीड नॉट पे स्टैम्प ड्यूटी. इसीलिए जो बायर होता है, जो इंटरमीडिएट बायर होता है, जो बाय करता है, उसको स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी होती है. एंड अ होल्डर ऑफ ब्लैंक ट्रांसफर, और जिसके हाथ में है ना वो ब्लैंक ट्रांसफर होता है, फॉर्म होता है, वो एंजॉय करता है सारे के सारे राइट्स, जैसे कि एक है ना नॉर्मल मेंबर होता है जो एंजॉय करता है राइट्स, उसी तरीके से ब्लैंक ट्रांसफर फॉर्म होल्डर होता है वो भी, वो ही सेम उसको राइट्स मिलते हैं. तो ये इजी हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स हम बार बार बाय एंड सेल इजीली कर सकते हैं इसमें. इससे इसमें है ना कंपनी को कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है. नाउ फर्दर पब्लिक ऑफर किसे कहते हैं? तो इट इज बैक्ड बाय IPO. IPO के बाद में इसका नंबर आता है. तो when a company issues shares to the public offer, public after an IPO, it is called as further. That means follow on public offer. Thus, every issue of shares by a listed company after its IPO is called as FPO. इसीलिए हर एक जो issue of shares होता है listed company का after IPO का तो उसे FPO बोला जाता है. FPO means further public offer. Now, FPO leads to an increase in the subscribed capital of the company. ये क्या करता है? जो subscribed capital है company का उसको और increase करता है. Now, 18th one, forged transfer. तो forged transfer किसे कहते हैं? तो copied, ये है ना, forged transfer is where the signature of transfer, जहाँ पे ना transferer का जो signature होता है is forged होता है, मतलब copied by fraud. Fraud person इसको copy करता है. तो company should not register such transfer of shares. तो company को वो shares को transfer नहीं करना है, मतलब fraud person transfer sign कर देता है. Now, rights issue किसे कहते? तो when a company wants to raise further capital, company को और capital, further capital है ना क्या करना है, raise करना है, तो उस case में company can issue shares to its existing equity shareholders. Equity shareholders को वो shares issue कर सकती है in the proportion to their existing shareholding, उनकी जो already shareholding है उसके accordingly वो उनको वही proportion में दूसरे नए shares issue करती है. Such an issue of share is called as right issue. तो उसे right issue कहा जाता है. तो यहाँ पे याद रखना है existing equity shareholders को होता है ये. Okay, whenever a company makes further issue of shares, the existing equity shareholders have a preemptive rights, मतलब उनको पहला हक होता है to subscribe the new shares offered by the company. कंपनी जब नया शेयर ऑफर करती है तो उनको पहला हक होता है, अगर वो चाहे तो वो उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं. नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट किसे बोलते हैं? तो प्राइवेट प्लेसमेंट व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स,
टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को जहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 200, 200 से ज्यादा ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं होने चाहिए, इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है, मतलब यहाँ पे भी शेयर्स ही दे रही है कंपनी। इन अदर वर्ड्स कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन, जो इनको वो जानती है पहचानती है, जिनसे वो कांटेक्ट में रहती है, नॉट टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इशू नहीं करती यहाँ पे। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं पर्सन को टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्टेड ग्रुप, उनके सिलेक्ट ग्रुप में कौन होंगे। सो दे कैन बी म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इन सबको कंपनी क्या कर सकती है, सिलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ तक आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कवर अप हुआ, या अभी वीडियो लेंदी नहीं हो जाए, इसलिए जो नेक्स्ट आपका केस स्टडी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूंगी। तो तब तक के लिए आपको ये सारे जो है आपको स्क्रीनशॉट लेकर और आपको नोट्स है ना अपने प्रिपेयर कर लेने, हार्ड कॉपी आपको रेडी रखनी है और बाकी तो आपकी मर्जी है। आई विल सजेस्ट कि मोर एंड मोर यू विल राइट, मोर एंड मोर नॉलेजेबल यू विल बिकम, और साथ ही साथ आपका माइंड और आपका हैंड कोऑर्डिनेशन, वो साथ साथ ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन चलते रहेगा, स्पेलिंग एरर नहीं होंगे। तो आपको लिखना तो जरूर चाहिए, रेस्ट इज इन योर हैंड। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।